और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में जलजले से जुड़ी हुई। तो दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटके महसूस किए गए देर रात और कुछ देर तक ये झटके लगातार महसूस किए गए। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम में के कई इलाकों में जलजला आया था और लोग ऐसे में बाहर निकले, महफूज मकामात पर निकले, बाहर की तरफ आ गए। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में जलजले के तेज झटके महसूस किए गए। चीन नेपाल बॉर्डर पर जलजले का मरकज बताया जा रहा है। वहीं इसका मरकज नेपाल बताया जा रहा है। वहीं शिद्दत की बात करें तो 7.2 शिद्दत का ये जलजला था और देर रात ये जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग भी काफी खौफजदा हो गए। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार पिछले कई महीनों की अगर बात की जाए तो कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ये झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल इसका मरकज बताया जा रहा है। तो जलजले का मरकज आपको बताते चले चीन और नेपाल बॉर्डर पर था और इसकी शिद्दत 7.2 बताई जा रही है। तो दिल्ली के अलावा कई और जगहों पर यूपी में भी ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। देर रात ये जलजले के झटके महसूस किए गए और एक बार नहीं, एक दो मिनट के वक्फे से 2-3 बार ये जलजला देखने को मिला। तो दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटकों से लोग सहमे और जैसे ही जलजले के झटके महसूस किए गए तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। खुले एरिया में लोग काफी देर तक रुके रहे और जब तक इत्मीनान बख्श नहीं हो गए तभी वो अपने घर में वापस लौटे। तो देर रात जलजले के झटके महसूस किए गए। देर रात जलजले से दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम में कई लोग डर गए। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम के अलावा कई और जगहों पर ये जलजले के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में और चीन नेपाल पर इसका मरकज बताया जा रहा है। और इसके अलावा शिद्दत की अगर बात करें तो 7.2 इसकी शिद्दत थी। तो दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटके महसूस किए गए, कुछ देर तक ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम में जलजला देखा गया। कई इलाकों में घरों से बाहर निकल आए लोग। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। चीन और नेपाल बॉर्डर पर जलजले का मरकज था।